हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 10 सीरीज़ के बारे में। इसी स्मार्टफोन में आपको एक बहुत ही न्यू प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ इसके कैमरा सेगमेंट को भी लेकर यहाँ पर काफ़ी सारी न्यूज़ निकल कर आ रही थी। सो गाइस, इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आपको अपर फ्लैगशिप और फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइस, ये एक मिड रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी कंफर्म स्पेसिफिकेशंस को लेकर और किस प्राइस सेगमेंट में आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लेटेस्ट टेक वीडियोस के लिए। सबसे पहले बात करें इसकी डिस्प्ले को लेकर, तो यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले वाइज यहाँ पर आपको काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो वो आपको साइड में देखने को मिल जाता है क्योंकि इसमें आपको आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसके सभी स्पेक्स आपको काफ़ी सिमिलर देखने को मिल जाएंगे पोको X3 से। और गाइज, फ्रंट साइड में पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करें इसके प्रोसेसर को लेकर, तो इसमें आपको बहुत ही न्यू प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन की ओर से, जो कि होने वाला है स्नैपड्रैगन 750G का। और गाइज, ये एक मिड रेंज सेगमेंट का स्मार्टफोन होने वाला है और गाइज, इसमें आपको काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप या फिर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसमें प्राइमरी सेंसर होगा 108 मेगापिक्सल का। 20 मेगापिक्सल का एक पंच होल सेल्फी कैमरा फ्रंट साइड में देखने को मिल जाता है। और बात करें बैटरी कैपेसिटी को लेकर, तो 5000 मिली एम्पायर की बैटरी कैपेसिटी एंड 33 वॉट के फास्ट चार्जर का सपोर्ट रेडमी नोट 10 सीरीज में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको ये स्मार्टफोन चाइना में देखने को मिलेगा 5G सपोर्ट के साथ। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की, तो यहाँ पर आपको 4G सपोर्ट के साथ देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक 5G सपोर्ट नहीं है, इसीलिए इसमें आपको डिफरेंट प्रोसेसर देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट में। सो गाइज, अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग को लेकर, तो ये आपको इंडियन मार्केट में 15 से लेकर 17,000 तक देखने को मिल सकता है। और गाइज, बात करें इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट को लेकर, तो ये स्मार्टफोन आपको चाइना में इस ईयर के एंड में देखने को मिल सकता है और नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में आपको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, अगर आपको ये स्मार्टफोन बेटर लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की किसी भी स्मार्टफोन और टेक्निकल अपडेट से जुड़ी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।